आईएएस और आईपीएस अफसरों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। शासन से सचिवालय तक अफसरों की छुट्टियां रद्द रहेंगी और ये जो छुट्टियां है वो चुनाव की समाप्ति तक रहेंगी। चुनाव की समाप्ति तक कोई भी आईएएस और आईपीएस अफसर अपनी छुट्टी नहीं ले सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव समाप्ति तक अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। शासन से लेकर सचिवालय तक अफसरों की छुट्टियां बंद रहेंगी। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनको अब छुट्टियां नहीं ले सकते हैं। 4 जून को हम बता दें आपको चुनाव के परिणाम आएंगे। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव का मतदान होना है। पहला और दूसरा चरण समाप्त हो चुका है। 3रा चरण 7 मई को होगा और इसके जो चुनाव परिणाम है वो 4 जून को आएंगे। इसी के तहत एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अब चुनाव समाप्ति तक अफसरों को छुट्टियां नहीं मिलेंगी। आईएएस और आईपीएस अफसर अब छुट्टी नहीं ले सकते हैं। शासन से लेकर सचिवालय तक जो अफसर हैं, वो लोग अब छुट्टी नहीं ले सकते हैं और ये छुट्टी अब वो चुनाव की समाप्ति तक नहीं ले सकते हैं। अब वो छुट्टी चुनाव के बाद लेंगे, जब उस चुनाव के परिणाम आ जाएंगे जो 4 जून को आने हैं।